नमस्ते सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना का खीर जो बहुत ही टेस्टी होता है, जिसे आप व्रत में या चाहे तो आप कभी भी इसे बना करके खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। आज हम बनाएंगे साबूदाना का खीर जो बहुत ही टेस्टी होता है और जिसे आप कभी भी बना करके खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम साबूदाना को लेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी साबूदाना को ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज वाले साबूदाना को लिया है और साबूदाना को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद इसमें बहुत थोड़ा पानी डाल करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, ताकि जो हमारा साबूदाना है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तब क्या करें कि एक पैन लें और पैन में एक चम्मच के करीब घी डालें। घी ही डालें, बहुत ही टेस्टी बनेगा आपका खीर। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो क्या करें कि इसमें डाल दें ये साबूदाना। जिस साबूदाना को हमने फुलाया था उस साबूदाना को डाल दें। और सारे साबूदाना को डाल देने के बाद क्या करें कि गैस को हाई करें और हाई फ्लेम पे साबूदाना को अच्छी तरह से भून लें। गैस को हाई करेंगे, हाई फ्लेम पे ही इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे लगातार चलाते रहें। आप एक बार इस तरह से साबूदाना का खीर को बना करके देखें। आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो हमारा साबूदाना है आपस में चिपकने लगा है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बिना व्रत का भी बना करके खाने लगेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा साबूदाना है हल्का सा आपस में चिपकने लगा है, ये देखिए। तो क्या करें कि इसमें दूध डाल देंगे। तो अभी थोड़ा सा दूध डालें। यहाँ पर मैंने दूध को हल्का सा गाढ़ा कर लिया है। दूध बॉयल करें और बॉयल करने के बाद दूध को हल्का सा गाढ़ा कर लें और पहले थोड़ा सा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद थोड़ा सा और दूध डाल दें। दूध को थोड़ा थोड़ा ही करके डालें। यहाँ पर मैंने टोटल 1/2 लीटर के करीब दूध को डाला है। और दूध डालने के बाद क्या करें कि गैस को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे साबूदाना को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इसे बीच बीच में चलाते रहें और साबूदाना को बिल्कुल अच्छी तरह से पका लें। यहाँ देखिए जो हमारा साबूदाना है बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। साबूदाना को आप थोड़ी देर पानी में भिगो करके रख दें, उसके बाद आप साबूदाना के खीर को बनाएं तो बहुत ही जल्दी बनता है। तब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच के करीब चीनी को डाला है। आप चीनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दें और साथ में डाल दें कुछ कटा हुआ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को डाल दें। तो यहाँ पर मैंने कुछ काजू, पिस्ता और आलमंड्स को डाला है और 2 मिनट के लिए इसे भी और पका लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। आप चाहे तो थोड़ा सा घी में ये जो ड्राई फ्रूट्स है उसे हल्का सा भून लें, भूनने के बाद इसमें डालें। और चाहे तो आप इसमें केसर को भी डाल सकते हैं और गैस को लो करें, लो फ्लेम पे इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए और पका लें। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज वाले साबूदाना को लिया है। आप चाहे तो छोटे वाले जो साबूदाना आता है ना, आप उससे भी खीर को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ देखिए जो हमारा खीर है बनके रेडी है। गैस को बंद करें और इसे एक बाउल में निकाल लें। तो हमारा जो खीर है बहुत ही टेस्टी बना है, ये देखिए। आप इस तरह से खीर को एक बार जरूर ट्राई करें, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। वैसे साबूदाना सभी को पसंद नहीं आता है, लेकिन आप इस तरह से साबूदाना की खीर को बनाएंगे तो सभी बहुत ही पसंद से खाएंगे। और ऊपर से डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दें, तो कटा हुआ पिस्ता, बादाम और यहाँ पर मैंने कुछ केसर के धागे को भी डाला है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।